हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज मैं एक ऐसे बिल्डर का प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने लेकर आई हूं जो लिस्टेड प्लेयर हैं, जो ऑलमोस्ट 40 साल से रियल एस्टेट में हैं और इनके फाउंडर का नाम है ओम गुप्ता। आप सभी जान गए होंगे मैं बात कर रही हूँ आशियाना का। आशियाना एक ऐसे बिल्डर हैं कि इन्होंने जब भी कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रातों रात या कहें 15 मिनट में ही इनके प्रोजेक्ट को ऑलरेडी सोल्ड आउट का दर्जा मिल गया है। जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रही हूँ ये है न्यू गुड़गांव में सेक्टर 93 में आशियाना का आमरा। ऑलरेडी ये अपना चौथा फेज लेकर आ रहे हैं जिसका रेरा इन्हें रिसीव्ड हो चुका है। जो 3 फेज इन्होंने लॉन्च किए थे वो पूरी तरीके से सोल्ड आउट हैं और फेज 3 की तो ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने आई थी कि 15 मिनट में ही इन्होंने सारी यूनिट जो है वो बेच दी थी। अब आप सोचिए इस तरह के बिल्डर जिनके ऊपर लोगों का आंख बंद करके विश्वास है तो ऐसा क्यों है? सोचने वाली बात इसलिए है क्योंकि बहुत से बिल्डर्स हैं। इवन गुड़गांव रियल एस्टेट बूम ही इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के बिल्डर्स हैं। हमारे पास कई सेगमेंट के प्राइस रेंज को ये लेकर आते हैं लेकिन आशियाना में ऐसा क्या खास है? क्योंकि अगर हम गुड़गांव में देखें तो अगर इस तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट्स तो लॉन्च नहीं किए हैं जिस तरीके से हमें सुनने में आता है कि इनका 10वां प्रोजेक्ट है, 15वां प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी इनका एक नाम है क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें बनाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहली बार सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट सोचा था, उसे उन्होंने लॉन्च किया। इनका प्रेजेंस बहुत जगह पे है, जोधपुर में, जयपुर में, भिवाड़ी में, फिर गुड़गांव में, सोहना में। तो इन्होंने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं टाइमली डिलीवर्ड वो प्रोजेक्ट किया है। सो सीनियर सिटीजन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ये लेकर आए थे, उसके बाद से किड्स सेंट्रिक प्रोजेक्ट ये लेकर आते हैं। सोहना में जो ये प्रोजेक्ट लेकर आए थे हाथों हाथ बिक गया था। गुड़गांव का ये जो करंटली फेज इनका 93 में चल रहा है इसमें भी जो 3 फेज है इसी वजह से सोल्ड आउट हुए क्योंकि किड्स सेंट्रिक है। कहने को आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाएं आपको किड्स प्ले एरिए दिए जाते हैं। जो क्लब हाउस होते हैं उसमें भी कुछ आउटडोर इनडोर फैसिलिटीज दी जाती हैं कि हम कह सकते हैं हमारे बच्चे वहां पर खेलेंगे या जो भी है। लेकिन ये क्या देखते हैं, ये बच्चों का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि रहने के लिए घर तो सब दे देते हैं लेकिन उस घर में आपके बच्चे किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, उस विसिनिटी में किस तरीके से वो चीज़ों को सीख रहे हैं, इस सभी चीज़ों पे फोकस किया आशियाना ने। क्या क्या फोकस किया, कैसे कैसे बनाया, ये मैं आगे और बताऊंगी वीडियो में। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए कि ये 4th फेज में लेकर क्या आ रहे हैं। इसमें ये टोटल जो अपने टावर लॉन्च कर रहे हैं वो है 13, 14, 15, 16 और 17। इसमें इन्होंने 3 BHK के ऑप्शन रखे हैं जिसमें एक 3 BHK 3T है, मतलब 3 टॉयलेट, और दूसरा है 3 BHK 2T। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्क्वायर फिट में जिस तरीके से सेल करते हैं तो ये कारपेट एरिया पे चीजों को बेचते हैं। तो 3 BHK 3T का जो कारपेट एरिया है वो है आपका 1205 का, और इसमें जो इन्होंने बालकनी एरिया दिया है वो दिया है 242 स्क्वायर फिट का। सेम इसी तरीके से जो 3 BHK 2T है उसमें 1000 स्क्वायर फिट का इन्होंने कारपेट एरिया दिया है और 229 स्क्वायर फिट का इन्होंने बालकनी एरिया दिया है। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो 3 BHK 2T जो है वो आपका शुरू हो जाता है 2,32,00,000 से 2,65,00,000 तक जाता है, और 3 BHK 3T वाला जो ऑप्शन है वो 2,75,00,000 से शुरू होके 3,10,00,000 तक जाता है। अब आ जाते हैं इनकी बेसिक फैसिलिटीज़ पे कि क्यों आशियाना जाना जाता है। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये किड्स सेंट्रिक बनाते हैं, परवरिश को एक नई डिफिनीशन देते हैं, क्योंकि अगर आप इनके प्रोजेक्ट में जाओगे तो आप देखोगे इन्होंने बच्चों के लिए प्रॉपर जो एरिया दिया है वो एडवेंचर पार्क के नाम से दिया, तो वहाँ पर ये एक डेंस फॉरेस्ट बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने एक लर्निंग हब बनाया है। अगर आप लर्निंग हब का इनका पूरा आर्किटेक्चर देखोगे कि किस तरीके से इन्होंने डेवलप किया है तो बॉक्सेस को भी इन्होंने डिज़ाइन में कन्वर्ट किया है क्योंकि बच्चा बोर ना हो। आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ईजिली बोर हो जाते हैं, उन्हें हर चीज़ में एक बोरियत नज़र आती, तो उस बोरियत को दूर कैसे किया जाए, उन्हें डिजाइन के तौर पे हर चीजों को दिखाया जाए कि वहां पे जो लाइब्रेरी होगी उसकी भी डिजाइन एक अलग होगी। और ये जो लर्निंग हब है यहां पर क्या होगा, आजकल की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो बच्चों को उस तरीके से आगे नहीं बढ़ाती है जैसे हम चाहते हैं। हमारा भी फोकस यही होता है कि हमारा बच्चा केवल पढ़े, लेकिन बच्चा तभी, उसका जो मेंटल लेवल का जो डेवलपमेंट है वो तब होता है कि उसकी क्या हॉबी है, वो क्या सीखना चाहता है, तो उस पर इन्होंने फोकस किया है। वो यहाँ पे पेंटिंग, म्यूज़िक और
इस तरह की कई चीज़ें, डांस करना, ये सारी चीज़ें, लाइब्रेरी में अगर वो रीड कर रहा है तो किस तरह की बुक्स होनी चाहिए, इन सबों का ध्यान दिया है। अगर आप चाहोगे तो वो पर्सनल आपको ट्यूटर भी अलाउ करेंगे और वो आपके बच्चे को उस तरीके से ट्रीट करेंगे। अब आ जाती है कि बहुत से बच्चे होते हैं, मतलब बच्चों का जो रेंज होता है वो 3 साल से 16 साल तक के बच्चों को हम बाहर भेजते हैं कि जाओ आप पार्क में खेलो, तो इसको भी उन्होंने डिफाइन किया है। मतलब 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए पार्क एरिया एक अलग होगा, उसके बाद से जो 6 साल से 10 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए अलग एरिया होगा, 13 साल से 16 साल के बीच को भी 2 जनरा में डिवाइड कर दिया है। तो उस हिसाब से जिस एज के बच्चों को जिस तरीके की गेम प्लान चाहिए, किस तरीके का ट्विटर चाहिए, उस तरीके का उन्होंने वो सारी चीज़ें, कोचिंग सेंटर्स भी वहाँ पर वो बनाएंगे। तो वो हर एक चीज़ डेवलपमेंट कैसे एक बच्चों का किया जाए उसको ध्यान रखा है। अब ये टाइमली प्रोजेक्ट को डिलीवर कर, क्योंकि इनका इन हाउस जो है वो कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद इनकी मेंटेनेंस जो टीम है वो भी इन हाउस है। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो अपने आप बिल्डर के पास, अलग अलग थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सब उसके बॉक्स में रहता है, तो वो इस तरीके से चीज़ों को देता है। तो ये जो पोर्शन है कि ये इन्होंने न्यू गुड़गांव को चुना, वो भी सेक्टर 93 को ही सेलेक्ट किया, तो कई लोगों को स्टार्टिंग में ये लगता था कि ये थोड़ा सा हमें द्वारका एक्सप्रेसवे से दूर ले जा रहा है, या सेक्टर 93 है, हम मानेसर से टच में तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप देखो ये जो लोकेशन है ये अपने आप में ही बहुत अच्छी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से आप पटौदी को, आप मानेसर को, आप NH 8 को, और उसके बाद से द्वारका एक्सप्रेसवे को, आप एक सेंटर पॉइंट पर हो। यहाँ पर जो आपकी विसिनिटी है वो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है, सोशल एमिनिटीज़, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, ये सारे इस विसिनिटी में आ चुके हैं। मतलब जब आपको ये पोजीशन मिलेगा, इनके जितने भी फेजेस हैं ऑलमोस्ट 2027 तक ये पोजीशन दे देंगे, अलग अलग फेजेस के जैसे भी आते जाएंगे 2025 से 2027 तक में वो सारे पोजीशन हो जाएंगे। सो जब आपके हाथ में चाबी मिलेगी तो आपको एक न्यू गुड़गांव भी एक नया गुड़गांव मिल जाएगा, क्योंकि इसके आसपास जैसे आपने खुद सुना होगा हमें ग्लोबल सिटी का डेवलपमेंट मिल रहा है, हमें सबसे बड़ा कमर्शियल हब सेक्टर 88 मिल रहा है, फिर सेक्टर 93 के पास में ही 3 स्पेशल जोन हैं H6, H5 और H7, जहां पे आने वाले समय में फैशन हब बनेंगे, वर्ल्ड ट्रेड हब बनेगा, इंटरटेनमेंट हब बनेगा। इट मीन्स आपके बच्चों के पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि वहाँ पे भी स्कूल्स ओपन होंगे जो इस तरीके के चीज़ों को आगे लाने में मदद करेंगे। और फिर द्वारका एक्सप्रेसवे से अटैच होने की वजह से जो द्वारका के पास में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वो भी यहाँ पर टच करेंगे। फिर सेक्टर 93 से जो आने वाले समय में जो हमारा एम्प्लॉयमेंट हब जनरेट हो रहा है, जो नया ITSCZ बन रहा है सेक्टर 63A में, उसके बाद से सेक्टर 74A, 75A, जिसको हम कमर्शियल और जॉब एम्प्लॉयमेंट दोनों हब के रूप में देख सकते हैं, वहाँ पर भी अगर आप जाते हो तो इन दोनों जगह सेक्टर 63A में और 74 और 75A में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस आपका वहाँ पे आ चुका है, आपका DLF का कॉरपोरेट ग्रीन वहाँ पर आ चुका है, इस तरीके से मतलब जॉब एम्प्लॉयमेंट के जस्ट नज़दीक में ये सेक्टर है। और DLF फेज 6, जिसने ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट कर दी है कि हम फेज 6 लेकर आने वाले हैं, वो भी उसी एरिया में लेकर आ रहे हैं, मतलब सेक्टर 75, 74, 76, ये सारे एरिया में DLF का फेज 6 डेवलप हो रहा है। तो ऐसी विसिनिटी में सेक्टर 93 है, इसके आसपास जो भी सेक्टर हैं, अगर आपने कहीं भी अपना कोई भी प्रोजेक्ट लिया होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और आशियाना का जो फेज 4 है ऑलरेडी 3 फेज सोल्ड आउट है, ये फेज भी आने वाले समय में बिक ही जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कॉन्सेप्ट बेस सेलिंग करते हैं, कॉन्सेप्ट को ही लेकर आते हैं, तो आपके जो बच्चे को एक बेहतर परवरिश मिलेगी, ये ऐसा फोकस कर रहे हैं और ये देते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको और कुछ भी जानना है तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप हमें उसमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।